लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बार जो टास्क दिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, उसको आप सभी लोग उस फॉर्म में जरूर सबमिट करिए। गूगल सीट पे आप लोगों ने अपडेट किया है, लेकिन वो मेरे पास आ गया है। फिलहाल आपको उस फॉर्म में भी सबमिट करना है, जिससे कि उसको पोस्ट करना स्टार्ट किया जा सके। टॉपिक आप लोगों को चल रहा था वेबसाइट डेवलपमेंट में, और वेबसाइट डेवलपमेंट में कई सारी बातें हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस की है। मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों से पूछता जाता हूँ, जो भी कोई माइक ऑन करके बताना चाहे वो बता सकता है। और क्योंकि आज की क्लास प्रोजेक्ट असाइनमेंट को लेकर के है, तो कुछ नया तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहले पुरानी बातों को क्लियर करेंगे, फिर मैं कुछ वर्क आपको बताऊंगा जो वर्क आप लोगों को करना होगा। सो वेबसाइट डेवलपमेंट में, जैसे कि अगर किसी से पूछा जाए कि वेबसाइट क्या होती है, तो उसको तो आप अपने वर्ड्स में ये सब बता सकते हैं, जहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन, डेटा, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो थ्योरी होती है, जो वन लाइन की डेफिनेशन थी वेबसाइट की, वो कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज़ अ वेबसाइट? वेबसाइट क्या है, इस बारे में कोई आंसर, इसका एक लाइन के एक आंसर, एक लाइन लिखवाई गई थी आप लोगों को, वो अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। ये राहुल कौन सी क्लास को कनेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल गलत लिंक से कनेक्ट कर रहे हो। हाँ, जैसे कई लोगों ने वेबसाइट की डेफिनेशन बताई, वो बिल्कुल सही बताई है। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेज वेब के पेजेस। समूहों को वेबसाइट कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ जी किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप इसको भी बताना चाहिए कि वो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या डोमेन और क्या हैं? होस्टिंग। हाँ करेक्ट। सो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले उस वेबसाइट का नेम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डोमेन, जो कि नेम होता है वेबसाइट का। और सेकेंड हमें ज़रूरत पड़ती है होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? माइक ऑन करके या टाइप करके, जैसे भी आप लोग बताना चाहें। माइक ऑन का ऑप्शन ऑन है ना, आप लोग अगर माइक ऑन करना चाहेंगे तो ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन ऑन ना हो तो आप बता देना। सिर्फ एक ही पर्सन का माइक ऑन हो पा रहा है क्या? होस्टिंग, जैसे कई कुछ लोगों ने बताया कि व्हाट इज द होस्टिंग, सर्वर जैसे किसी ने सर्वर बताया है, और जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते हैं, मिथुन ने जैसे बताया, वेबसाइट को जहाँ से मैनेज करते हैं, बिजनेस में भी कुछ डेफिनेशन बताई है। आप लोगों को वैसे सही आइडिया है, आप लोग सही बता रहे हैं। जैसे हम लोगों के फ़ोन में हमारी फ़ोटोज़ वीडियोस सेव होती हैं, वैसे ही होस्टिंग में वेबसाइट के जो भी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो सब एक सर्वर या होस्टिंग में सेव होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। जैसे कोई वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे, सपोज़ मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन किया, तो इस वेबसाइट में जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं, ये सभी जहाँ कहीं पर भी सेव हैं, उसको सर्वर बोलते हैं। सब जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं सेव होंगी। जैसे ये फ़ोटो है इनकी यहाँ पर, ये जहाँ पर भी सेव है उसको सर्वर बोलते हैं। इसीलिए कभी कभी अगर वेबसाइट नहीं खुलती है, तो उसके लिए बोला जाता है सर्वर डाउन है, मतलब जहाँ पर सब कुछ सेव है वहाँ पर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो होस्टिंग या सर्वर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब है जहाँ पर डेटा आपका सेव होता है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग, ये दो चीज़ों को बाई करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। डोमेन बाई करने के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी दो तीन प्लेटफॉर्म्स के नाम अगर आप लोग बताना चाहें कि यहाँ से हम लोग डोमेन बाई कर सकते हैं। जैसे एक तो मैं बता देता हूँ, गो डैडी करके एक आता है। हाँ, गो डैडी के अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, गो डैडी से डोमेन बाई की जा सकती है। जैसे कई लोग बता रहे हैं बिग रॉक, जैसे आदित्य ने बताया, बिग रॉक है, होस्टिंगर है, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लोग डोमेन बाई कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्लेटफॉर्म था जो कि फ्री में डोमेन दे रहा था, HIOX इंडिया करके, हाई ऑक्स इंडिया करके ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कभी कभी ऑफ़र आता रहता है, जैसे भी आप देखोगे, हो सकता है कि होली के टाइम पर ऑफ़र आ जाए। ये लोग .in डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, कुछ 5-6 दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट .in डोमेन दे रहे थे। जैसे किसी ने नेमचीप बताया, वो भी आपने बिल्कुल सही बताया है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन मिल रही थी, सिर्फ थ्री मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए। अब तो फिलहाल ये यहाँ पर इनका ऑफर बंद हो गया है, तो ये कुछ टाइम पहले दे रहे थे, हो सकता है नेक्स्ट होली में फिर से देने लगे। तो वो ऑफर्स वगैरह हमें चेक करते रहना चाहिए कि
ऑफर्स कहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि ऑफर्स के क्या होता है कि डोमेन आपकी कम में मिल जाती है। ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, नेमचीप इंडिया, बिग रॉक या गोडेडी वगैरह, इनमें डिफरेंस यही है कि जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा कम ज़्यादा रहती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज आपको गोडेडी से डोमेन बाई करना है तो आप गोडेडी ओपन करोगे, और कोई भी डोमेन बाई करने के लिए यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगा कि rankpick.com, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये यहाँ पर फिलहाल तो शो कर रहा है डोमेन टेकन है। मैं कुछ यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया rankpickofficial.com करके, नहीं मोबाइल से भी वर्क हो जाएगा, सेजल क्यों नहीं हो पाएगा। ये जो डोमेन वगैरह बाई करने का काम ये तो हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, जैसे रैंक टेक ऑफिशियली अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो 139 रुपीज़ की शो हो रही है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं इसको बाई करने जाऊँगा तो इसकी जो कॉस्ट है ना थोड़ा सा ज़्यादा शो होने लगेगी। जैसे मैंने कॉन्टिन्यू टू कार्ड पर क्लिक किया, अब मैं इसको जब बाई करूँगा तो ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें से आपको यही देखना होता है कि कहाँ पर आपको कम कॉस्ट में डोमेन मिल रही है, कहाँ पर अवेलेबल है। ये सब तो बाई करना नहीं होता है, कंटिन्यू टू कार्ड पे जाते हैं। यहाँ पे जैसे अगर अब आप देखोगे इसकी टोटल प्राइसिंग शो कर रहा है 2537 रुपीज़। ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये डोमेन मैं एक साल के लिए नहीं, मैं एक साथ तीन साल के लिए बाई कर रहा हूँ। ये देखो लिखा हुआ है 3 ईयर्स के लिए हम लोग बाई कर रहे हैं। अगर इसी को हम लोग 1 ईयर के लिए करेंगे तो ये थोड़ा कम में दिखेगा, लेकिन ये फिर भी कुछ 900 रुपीज़ का शो हो रहा है। 900 रुपये फिर भी मुझे देने पड़ेंगे। उसी के नीचे आप देखो प्रोमो कोड वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रोमो कोड है जिनको अप्लाई करने पर इसकी कॉस्टिंग और कम हो जाएगी। जैसे ये जो डोमेन है ना, ये मुझे सिर्फ 500 रुपये का मिल जाएगा ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई करके। तो यहाँ पर जैसे 500 का भी मुझे मिल जाएगा, वही चीज़ जो अभी 900 के शो कर रही थी 899 के, वो मुझे 499 की मिल रही है। तो ये प्रोमो कोड वगैरह थोड़ा सर्च करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। अभी जैसे ये 499 की शो हो रही, हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म में आपको .com डोमेन और कम में मिल जाए, तो देखना पड़ता है कहाँ पे क्या ऑफर चल रहा है, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग जा करके बाई करते हैं। जैसे बिग रॉक वाले कह रहे हैं कि 399 में दे देंगे, लेकिन ये देते नहीं 399 में। एक ये INS करके वेबसाइट है, ये वाले ज़रूर दे देते हैं आपको। एक डोमेन आपको ये कुछ 80-90 रुपये में दे देते हैं, लगभग $1 में। तो वही सेम डोमेन अगर मैं यहाँ पे बाई करूँगा तो rankpickofficial.com, लेकिन कभी कभी देते हैं, मतलब जब इनके ऑफर चल रहा होता है। अभी देखते हैं क्या ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सब जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें से आप बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि $5 की देंगे ये, तो $5 का मतलब है कि अगर मैं इसको INR से कन्वर्ट करूँगा तो लगभग 400 रुपीज़ है INR के हिसाब से, तो लगभग उतने का ही दे रहे हैं जितने का GoDaddy मिल रहा था। कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑफर चलता है तो ये कम में भी मिल जाता है। जैसे कई अपने यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो 80 रुपये 100 रुपये में भी ले लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है यहाँ पर, जैसे .com जो डोमेन होती है ये थोड़ा सा कॉस्टली रहती है। अगर आप .in वाली लेंगे तो थोड़ा कम में मिल जाएगी, और एक आती है .online, वो तो और भी कम में मिल जाती है। जैसे कई वेबसाइट्स हैं जो .online डोमेन सिर्फ 80 रुपीज़ में देते हैं। नहीं, डोमेन हम लोग खुद से नाम सिर्फ उसका ले सकते हैं, वो बाई तो करनी पड़ेगी आदित। जैसे नेमचीप में जाकर के आप देखोगे, या आई थिंक होस्टिंगर में भी ये चीज़ हो जाती है कि अगर आप कोई ऐसी डोमेन लेंगे जिसके लास्ट में .online लगा होगा तो वो तो आपको काफ़ी कम में मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर लेता हूँ rankpick.online, सर्च करते हैं। एंड लेट्स सी कि ये .online डोमेन कितने की मिलती है। तो फिलहाल ये .online डोमेन आई थिंक सेल हो चुकी है इनकी, इसको कोई ना कोई बाई कर चुका है। तो यहाँ पे जैसे मैं rankpickofficial इस तरीके से देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो rankpickofficial ये जो नेम है ये मुझे मिल जाएगा, और इसकी कॉस्ट कितनी है 81 रुपीज़। ओके, तो अभी तो आप लोग बाई नहीं करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आप लोग चाहें तो बाई कर सकते हैं। एक 81 रुपीज़ में आपको डोमेन यहाँ पर मिल जाएगी। ओके,
फिर उसको बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए आपको सेकंड जो ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है आपके, आपको होस्टिंग या सर्वर की। मैं खुद भी आपको क्लास के ओवर होते होते कोई एक दो वेबसाइट कुछ लोगों को असाइन करूँगा जिनमें आप काम कर सकते हैं, जिस पर्पज़ से आज की इवेंट क्लास हो भी रही है। सो डोमेन तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताया वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, 80 रुपये से लेकर के आपको 400-500 रुपीज़ तक डोमेन मिल जाती है, और अगर आप सर्च करेंगे तो कई बार और कम में भी मिल जाती है। प्रैक्टिस करने के लिए तो आप लोग फ्री वाली डोमेन ले लेंगे जिसमें कि लास्ट में 000 वेबहोस्ट या जो इन्फिनिटी फ्री है वहाँ से भी मिल जाएगी। खैर, होस्टिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और कौन सा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कोई बताना चाहेगा? ये सब तो प्लेटफॉर्म हो गए डोमेन बाई करने, जैसे सिम खरीदना है अगर तो उसके लिए एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, ये सब होते हैं। तो सिम खरीदने में हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं देखते हैं, बस यही देखते हैं कौन सी कंपनी कम में दे रही सिम और जिसमें कॉस्ट कम आती हो, रिचार्ज वगैरह जिसके सस्ते हों वो वाला हम सिम बाई कर लेते हैं। लेकिन होस्टिंग क्या है, वो तो फ़ोन या सर्वर की तरह है, तो उसको तो बाई करने के टाइम पे कई चीज़ों को देखना पड़ता है। तो कई कंपनीज हैं इसको भी बाई करने के लिए, जैसे कि हाँ गोडैडी से भी हम लोग होस्टिंग बाई कर सकते हैं। यस, गोडैडी से भी हम लोग होस्टिंग बाई कर सकते हैं, या होस्टिंगर एक कंपनी है वहाँ से भी हम लोग बाई कर सकते हैं, सेजल, डू डैडी नहीं गोडैडी। और उसके अलावा कई और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप अगेन बिग रॉक से बाई कर सकते हो, एक होस्ट गेटर प्लेटफॉर्म जो कि बेकार प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बिल्कुल भी ना बाई करें। उसके अलावा अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म आता है AWS, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। OCNWP करके एक आती है कंपनी, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग कंपनीज़ हैं जहाँ से आप होस्टिंग बाई कर सकते हैं, जिनमें से सबसे अच्छी कंपनी में से ये आती है होस्टिंगर कंपनी, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी होस्टिंगर में आया हुआ हूँ, यहाँ पर आपको काफ़ी कम कॉस्ट में होस्टिंग मिल जाएंगे, अलग अलग प्लान्स यहाँ पर भी होते हैं। अब होस्टिंग बाई करने के टाइम पर आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। डोमेन तो आप ज़्यादा कुछ बिना देखे बाई कर सकते हैं, बस नाम आप अच्छे से अपना देख लीजिए कौन सा नाम लेना है, तो आप डोमेन बाई कर सकते हैं। होस्टिंग बाई करने के टाइम पर आपको कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्या देखना चाहिए कोई बताना चाहेगा? जैसे इनके पास कई पैकेजेस हैं, ये जैसे एक होस्टिंग कंपनी है जो 149 रुपीज़ कुछ चार्जेस हैं पर मंथ के, जिसमें होस्टिंग मिल रही है। गोडैडी वाले भी होस्टिंग देते हैं, तो गोडैडी का मैं आपको दिखाता हूँ। अगर गोडैडी से बाई करें कि होस्टिंगर से बाई करें, कैसे डिसाइड करेंगे? आप जैसे फ़ोन लेने जाते हैं ना, तो फ़ोन सैमसंग का लेंगे, वीवो का लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? आप कैमरा, रैम, रोम, बैटरी बैकअप और उसके फीचर्स और आपका क्या बजट है, आप कितने रुपए तक पे कर सकते हैं, ये सब देखते हैं। तो आदित्य ने जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, हाँ, तो होस्टिंग बाई भी अलग अलग तरीके, क्योंकि होस्टिंग आती है, तो होस्टिंग बाई करने के टाइम पर आपको मेनली यही देखना होता है कि जो होस्टिंग आप खरीदने जा रहे हैं उस होस्टिंग में आप कितनी वेबसाइट रन कर सकते हैं। जैसे आप में से कई लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये एक होस्टिंग कंपनी जो 119 रुपीज़ में गोडैडी पे मुझे मिल रहा है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट चला सकता हूँ। अगर मेरा पर्पस हुआ आगे चल करके कि कई और वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए फिर मुझे दूसरी होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। वहीं होस्टिंगर में क्या है कि अगर मैं ये वाली होस्टिंग लेता हूँ 149 वाली, तो इसमें मैं कितनी वेबसाइट तक चला सकता हूँ? 100 वेबसाइट तक, है ना? तो ये वाली होस्टिंग भी ज़्यादा बेटर मानी जाएगी। तो होस्टिंग बाई करने के टाइम पर आपको इन फैक्टर्स को कंसीडर, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, डोमेन बाई करना और यहाँ पर होस्टिंग बाई करना। डन, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डोमेन होस्टिंग बाई करने के बाद, अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगला स्टेप कोई बताना चाहिए कि क्या है अगला स्टेप? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बताया है, कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने का मतलब वैसे क्या है? ये आप लोगों ने बिल्कुल सही याद कर लिया है, आई थिंक बेहद अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही बताया यहाँ पर कि डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करना होता है। सो आगे आते हैं, डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करने के अलावा भी, ये कनेक्ट करना में आप लोगों को पता है कैसे एग्जैक्टली कनेक्ट करते हैं, क्या स्टेप होता है कनेक्ट करने के, बताया गया अभी क्लास में? क्यों शांतनु, बताना चाहोगे कैसे कनेक्ट करते हैं डोमेन होस्टिंग और क्यों कनेक्ट करते हैं, उसका रिलेटेड कुछ बातें? सो सेम प्लेटफॉर्म रहेगा तो नीड नहीं रहेगा कनेक्ट करने की, अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म रहेगा तो नीड रहेगी कनेक्ट करने की। बिल्कुल ठीक बात है आपकी।
तो वहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म से बाय किया है, कैसे कनेक्ट करते हैं वो तो एक टॉपिक है जो कि फिर कभी देखते हैं। अच्छा, ऑफिस में वो बोल नहीं पाओगे साथ में, कोई बात नहीं। इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप कोई बताना चाहे कनेक्ट करने के बाद? वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ना, ये है फोर्थ स्टेप। अच्छा एक बार आप लोग लास्ट स्टेप तो बता दीजिए, कहाँ तक तो नोट कराया जा चुका है क्लास में? वर्डप्रेस इंस्टॉल के बाद अगला स्टेप कुछ नोट कराया गया है? वर्डप्रेस को ओपन करना, ओपन वर्डप्रेस, कैसे ओपन होता है वर्डप्रेस और थीम इंस्टॉल करना? राइट। उसके बाद ओपन हो जाएगा और सर ने उसके बाद थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं वही बताएं, बस इतना ही बताएं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही आता हूँ इन्फॉर्मेशन है। इनमें से जैसे कनेक्ट करने वाला स्टेप अभी आपको नीड भी नहीं होगी, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए आपको बताया गया होगा 000 वेब होस्ट का आप यूज़ कर सकते हो, राइट? अब आपका जो आज का वर्क है, जो कि असाइनमेंट असाइन करना है, वो यही है। सबसे पहला, आप में से कई लोगों ने 000 वेब होस्ट का यूज़ किया करके अपनी वेबसाइट को लाइव कर लिया होगा, जिनकी वेबसाइट ओपन होती होगी, करेक्ट? कोई अगर शेयर कर सके तो अपनी वेबसाइट शेयर कर सकता है जिसकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। थीम इंस्टॉल है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चार स्टेप जिसके भी कम्प्लीट हो चुके हैं वो शेयर कर सकता है। यहीं पर आप मैसेज बॉक्स में शेयर कर दीजिए, जैसे आकांक्षा ने ये शेयर किया हुआ है यहाँ पर, सुल्तानपुर शॉप। हाँ वेरी गुड, इन्होंने थीम भी इंस्टॉल कर लिया है। ओके, सो ये जो फोर स्टेप्स हैं, ये फोर स्टेप आप सभी लोगों को कंप्लीट करना है। एक आपको मैं फॉर्म शेयर करूँगा, उस फॉर्म में आपको फिल करना है, ये ऐसे शांतनु ने शेयर किया हुआ festivewin.in। तो उस फॉर्म में आप जाओगे और वहाँ पर आपने जो भी वेबसाइट अभी तक लाइव कर लिया है उस वेबसाइट का URL शेयर करोगे। वो फॉर्म आपकी क्लास में मैं क्लास ओवर होने के बाद शेयर कर दूंगा, ओके? तो उसको आप लोग शेयर कर देना। इसके बाद फिर थीम इंस्टॉल हो जाती है, अलग अलग टाइप की थीम्स आती हैं जिनको आपको इंस्टॉल करना होता है। तो लेट इट ओपन। ये ऐसे वेबसाइट है फेस्टिव विन करके, जिसमें कि आगे चल करके कोई प्रोडक्ट वगैरह बाय करना, तो यहाँ पर जैसे डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप लोग भी आगे चल कर डिज़ाइन बना पाएंगे। और कुछ प्रीमियम थीम्स आती हैं, सामने प्रीमियम थीम शेयर की तो उसका भी जॉब यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप लोगों में जिन लोगों ने वेबसाइट शेयर की, अच्छी बात है, आप लोग मतलब कई लोग बना पाए हैं। अच्छा, कई लोग यहाँ तक हो सकते हैं ना आ पाए इस स्टेप तक, मस्ती 91 करके कुछ यहाँ पर, मस्ती नंबर 1 करके यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है मिथुन ने। तो आप में सोच सकता है कई लोग इस स्टेप तक ना आ पाए हो, तो ये चार स्टेप तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उसके वीडियोस भी आप लोगों के पास मोबाइल से भी बताया गया है, सो होपफुली इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और सर ने बताया था कि उन्होंने कई बार इन फोर स्टेप्स को बताया है, तो इसमें से कोई चैलेंज नहीं आएगा। फिर वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करने, ये सब चीज़ें सो ऑन आप करोगे। अभी जैसे मान लेते हैं कि मैं एक वेबसाइट कोई ओपन करता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, ये अंडर मेंटेनेंस है वेबसाइट अभी। और इसके अलावा इसे रैंक कीवर्ड्स की मैंने वेबसाइट अभी ओपन की हुई है यहाँ पर। इस वेबसाइट में अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एडिटिंग करना है, कुछ इसमें नया करना है, तो उसके लिए वर्डप्रेस ओपन करना होगा। वर्डप्रेस कैसे ओपन होता है वो आप लोगों को बताया ही गया है क्लासेस में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस वेबसाइट पे जाकर के /wp-admin लिखना होगा, राइट? तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। इस वर्डप्रेस में यूज़र नेम पासवर्ड डाला जाएगा और आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो यही सेम आज मैं आप लोगों को साइन करूँगा, कुछ 2-3 मैं वेबसाइट दूँगा, उनका मैं यूज़र नेम पासवर्ड दूँगा, और उसको फ़ोन पर जा करके आपको मैं एक टास्क बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोगों को करना है, गॉट इट? तो आप सभी लोग जो अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हो वो तो आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, उसके अलावा भी मैं आपको एक वर्क दूंगा जिस पे आप लोगों को ये काम करना होगा। एग्जैक्टली कैसे करना है वो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा कि आप सभी लोगों को मोबाइल स्क्रीन से भी, क्योंकि सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आप मोबाइल स्क्रीन से भी इस काम को ईजिली कर सकते हैं।
तो स्टे कनेक्टेड। वर्डप्रेस की एक मोबाइल पे ऐप भी आती है, उस ऐप में आप सभी काम कर सकते हैं जब आपके पास डोमेन होस्टिंग वगैरह सब कुछ डन हो आपका। जैसे ये देखिए यहाँ पर, तो ये आपको एक वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसकी जो ऐप है वो मैंने अभी ओपन की हुई है। आप अगर इसको इंस्टॉल करना चाहें तो आपने फ़ोन पे जाना, लिखना वर्डप्रेस करके, तो प्ले स्टोर जो होता है आपका, जैसे मेरे वाले में ऐप स्टोर है, तो वहाँ पर आपको वो प्ले स्टोर में ये ऐप मिल जाएगी वर्डप्रेस नाम से। इसको आप डाउनलोड कर लेना, वर्डप्रेस नाम से ऐप आती है। इसको फिर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या है कि wp-admin नहीं लिखना होता है, आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन और साइन अप विद wordpress.com और दूसरा ऑप्शन आ रहा है एंटर योर एग्जिस्टिंग साइट एड्रेस। तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करना, एंटर योर एग्जिस्टिंग साइट एड्रेस वाला, और इसमें जा करके आपको एक वेबसाइट एंटर करनी है। तो जो वेबसाइट मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको वही एंटर करना है। जैसे आपकी जो वेबसाइट है वो है summerinternship.in और आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, फिर आपको कुछ यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना होगा। तो वो यूज़र नेम पासवर्ड मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। तो कैन नॉट एक्सेस द साइट एट दिस एड्रेस, प्लीज चेक इन summerinternship.in है तो सब कुछ सही लग रहा है मुझे। बैग आके फिर से मैं ट्राई करता हूँ। कंटिन्यू, सो लेट इट ओपन। यहाँ पर देखो यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो ये यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर देना। वो यूजर नेम पासवर्ड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो उसके बाद आप यहाँ पर इजीली लॉगिन कर पाएंगे। तो यूजर नेम पासवर्ड अभी मैं अपने लैपटॉप में चेक कर लेता हूँ इसका क्या एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर एक पोस्ट ऐड करना है। तो ये भी लॉगिन हो रहा है यहाँ पर, हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी कुछ सेकंड के लिए चली जाए। तो लॉगिन अभी जब सक्सेसफुली हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। सभी लोगों के अलग अलग यूज़र नेम पासवर्ड तो नहीं है, लेकिन एक मैं कॉमन यूज़र नेम पासवर्ड आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप उसका यूज़ कर पाएंगे। और उसके बाद एग्जैक्टली आपको क्या करना है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो स्टे कनेक्टेड फॉर अ व्हाइल। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों को एक्सक्यूशन का काम करना है। जैसे ये पासवर्ड अभी गलत बार बार बता रहा है, तो मुझे यहाँ पर पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। मैं फिर से एंटर करता हूँ पासवर्ड। लैपटॉप से भी मैंने एक नया यूज़र नेम बना लिया है, क्योंकि लास्ट वाला यूज़र नेम तो बार बार गलत बता रहा है। लॉगिन,
अभी होपफुली सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा। अभी भी लिंक गलत बता रहा है, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली ये तो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है ये क्लास में ही, तो ये तो सही है। यहाँ पर पासवर्ड भी मुझे आई थिंक कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी जैसे यहाँ सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है, तो आपके वाले में लॉग इन होने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए एग्जैक्टली आपको क्या करना है। इस स्क्रीन पर आने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ पर आने के बाद आपको एक पोस्ट कंप्लीट करना है। ये जो पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये पोस्ट, इस पर आप क्लिक करना। और टॉपिक जो होगा आपका, मैं कुछ 5-6 टॉपिक बता रहा हूँ, उनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करना, टॉपिक सपोज़ मैंने आपको बताया कि आपको लिखना है, या आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं। मैं 5-6 टॉपिक्स आपको दे दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिया 10 बेसिक्स या 10 फॉर्मूलाज यूज इन एमएस एक्सेल, 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज इन एमएस एक्सेल। इस तरीके से आप कोई टॉपिक लिखोगे, फिर आप यहाँ पर अपना कॉन्टेंट लिखना स्टार्ट करोगे। उस कंटेंट में ये नीचे साइड देखो प्लस का जो आइकन आ रहा है, इससे आप क्या कर सकते हो, हेडिंग, इमेज, वीडियो और इन सब चीज़ों को भी लगा सकते हो। हेडिंग का मतलब क्या होता है, जो आप टेक्स्ट लिखोगे थोड़ा सा बड़ा लिख करके आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग ले लिया फॉर्मूला नंबर 1 सम फॉर्मूला, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना फॉर्मूला लिखोगे कि इक्वल सम, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। जब ये कंप्लीट लिख जा सकते हो, इसको पब्लिश कर सकते हो। ओके, तो इसको आप यहाँ पे पब्लिश कर लेना, फिर उसका आपको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी पब्लिश किया है, फिर पब्लिश करने के बाद यहाँ पर देखना व्यू करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो उसका देखो ये लिंक मिल जाएगा आपको, ये वाला लिंक। इस लिंक को आप कॉपी कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि एक एक लिंक आपको यहाँ से मिलेगा, जब आप पूरा कॉन्टेंट लिख लेंगे तब आपको वो लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप कॉपी कर लेना। ओके, सो ये चीज़ आप यहाँ तक कर लेंगे। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, मैं एक समर इंटर्नशिप .in वेबसाइट का एक्सेस दूंगा, ग्रुप में भी मैं लॉगिन पासवर्ड आपको शेयर करूंगा, उस पर आपको एक पोस्ट करना है। पोस्ट आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन पे आप पोस्ट कर सकते हो। और जैसे टॉपिक्स तो मैं कुछ एक दो आइडियाज़ के लिए आपको मैंने बताया कि 10 फॉर्मूला सब एजुकेशन से रिलेटेड होने चाहिए, ये नहीं कि आप एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ डाल दो वहाँ पर। यूज़ इन एमएस एक्सेल आप इस टॉपिक पे पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप यूज पोस्ट कर सकते हो कि हाउ टू मेक पीपीटी कैसे बनाए, इसके अंदर लिखना क्या है। उसके लिए आप चाहो तो चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी हमने पढ़ा था ना, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। आप इसी में से जो स्कूल कॉलेज टाइम पर आप जैसे कोई टॉपिक है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप उस टॉपिक पर लिख सकते हो। तो ये एजुकेशन की वेबसाइट है, तो आप इसमें एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हो। जैसे आप ये भी लिख सकते हो 10 गवर्नमेंट जॉब्स फॉर 12th पास स्टूडेंट्स, करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th, इस तरीके के टॉपिक्स पे आप अपना कंटेंट यहाँ पर लिख सकते हो। गॉट इट? सो ये काम आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा क्या एग्जैक्टली करना है, तो इस काम को आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो मैं वापस से आता हूँ टॉपिक पर। तो ये जो मैंने 3-4 टॉपिक्स लिखे हैं, इनके अलावा और भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे कि करियर ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम, कि बीकॉम करने के बाद या 12th करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, जॉब्स आफ्टर बीएससी, जॉब्स आफ्टर बीकॉम, और जो भी कुछ आप लिखोगे ना उसमें फ़ोटोज़ ज़रूर लगाना। फ़ोटोज़ जो आप लगाओगे वो गूगल से कोई भी रैंडम फ़ोटोज़ मत ले लेना। जैसे आपको मान लेते हैं क्लास 12th की फ़ोटो चाहिए, हाँ, इन्हीं में से कीवर्ड्स का यूज़ करके कॉन्टेंट लिखना है। स्क्रीन अभी मेरे मोबाइल की नहीं दिख रही होगी, लैपटॉप की आप लोगों को दिख रही होगी, तो जिन लोगों को नहीं दिख रही है चेक कर लें, लैपटॉप स्क्रीन आपको मेरी आ रही होगी। तो ये तो हो गए टॉपिक्स, इनके अलावा कोई और भी टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, उन टॉपिक्स पे आपको अपना कंटेंट लिखना है।
उस कंटेंट में फ़ोटोज़ भी आपको यूज़ करनी है। तो जो फ़ोटोज़ यूज़ करोगे, या तो आप अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ यूज़ करना, या फिर अगर आप इंटरनेट से भी फ़ोटोज़ ले रहे हो ना, तो वो फ़ोटोज़ ऐसे लिया करो। जैसे मान लेते मुझे क्लास ट्वेल्थ के किसी स्टूडेंट की फ़ोटो चाहिए या कॉलेज स्टूडेंट्स की मुझे फ़ोटो चाहिए, तो मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया कॉलेज स्टूडेंट्स इमेजेस इस तरीके से कुछ लिख करके, तो ये जो इमेजेस आ जाती हैं आप इनको नहीं डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कॉपीराइट इमेजेस होती हैं। अगर आप इनको यूज़ करोगे तो आगे चल कर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ये इमेज है यहाँ पर, तो इस इमेज में देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है गेटी इमेजेस करके, ये देखो लिखा हुआ है, तो ये गलत माना जाता है। आप इस तरीके की इमेजेस को कॉपीराइट बोलते हैं, आप ऐसी इमेजेस यूज़ नहीं कर सकते हो। इसका एक तरीका ये है कि जो टूल्स करके यहाँ पर लिखा होता है, मोबाइल पर भी आता है, इस पर क्लिक करना और फिर देखो एक ऑप्शन आएगा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, इस पर क्लिक कर देना क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो यहाँ पर आप देखोगे कई इमेजेस आ जाएंगी, आप इन इमेजेस का यूज़ कर सकते हो। गॉट इट? तो अगर आपको इमेजेस यूज़ करना भी है तो आप वो वाली इमेजेस ना यूज़ करना, आप इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। तो आप सभी लोग इस बात का जरूर मेरे पॉइंट को याद रखना कि अगर आपको कोई इमेजेस यूज़ करना है तो उसके लिए आप गूगल पे जब सर्च करना तो वहाँ पे टूल्स पे जा करके क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस करना, फिर जो इमेजेस आएंगे आप उनका यूज़ करना, क्योंकि वो इमेजेस जो होती हैं वो हमारी नॉन कॉपीराइट वाली इमेजेस होती हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आप कोई और इमेज यूज़ करोगे तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। उसके अलावा एक तरीका और भी होता है इमेजेस के लिए, कि मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊँगा आपके ग्रुप में भी। मैं 15-16 वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, जैसे एक वेबसाइट है पिक्सा बे करके, यहाँ पर क्या होता है कि आपको फ्री में अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं, स्टनिंग इमेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यहाँ से वो इमेजेस ले सकते हो। तो पिक्सा बे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से इमेजेस लेना चाहो तो इमेजेस आप ले सकते हो। ओके, सो ऐसे और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इमेजेस लेना चाहो तो इमेजेस ले सकते हो। गॉट इट? तो ऐसे मैं कई वेबसाइट्स आप लोगों से भी शेयर कर दूँगा। पिक्सा बे है, एक pixels.com करके है, आप इन वेबसाइट्स पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो स्कूल इमेज चाहिए, तो स्कूल लिख करके यहाँ पे सर्च करो, तो आपको स्कूल वाले काफ़ी सारी इमेजेस दिख जाएंगी, आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो पिक्सा बे है, पिक्सेल्स है, और freepik.com है, अनस्प्लैश एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आता है, अनस्प्लैश एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको बड़ी अच्छी अच्छी HD क्वालिटी की इमेजेस मिल जाती हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको HD क्वालिटी में अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको जब भी इमेजेस चाहिए होती ना, आप इन्हीं प्लेटफॉर्म से लिया करो। अभी मैंने मैसेज में 16 वेबसाइट शेयर कर दी हैं जिनमें आपको HD क्वालिटी की अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी, ये मैंने शेयर कर दिया ना। अगर आप नोट करना चाहो तो यहाँ से नोट कर लो, नहीं तो मैं तो ग्रुप में शेयर कर ही रहा हूँ आपके। नहीं, पिंटरेस्ट वाली मत लेना आप, एक्चुअली इमेजेस तो अच्छी अच्छी गूगल में भी मिल रही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो रॉयल्टी फ्री वाली इमेजेस है ना, मतलब कॉपीराइट वाली इमेजेस हैं। हाँ देखिए, प्रॉब्लम मैं ये नहीं बोला कि इमेज की जो क्वालिटी है उसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि वो इमेज किसी और की है, आप उस इमेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो जो HD इमेज आपको मिल रही है उसको हम लोग इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो इमेज किसी और की है, वो अलाउ नहीं करता कि आप उनकी इमेजेस यूज़ करो। यहाँ पर हमें HD इमेजेस मिले सिर्फ इसीलिए हम लोग इस वेबसाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका हम लोग यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस मिल रही हैं वो नॉन कॉपीराइट है। नॉन कॉपीराइट का मतलब उनको कोई भी यूज़ करेगा अगर तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बेसिक रीज़न है, इसलिए हम लोग इन वेबसाइट्स का यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो अच्छी अच्छी इमेजेस तो गूगल पे भी मिल जाएंगी, गूगल पे मैं लिखूँगा कॉलेज स्टूडेंट्स इमेजेस, तो अच्छी अच्छी इमेजेस यहाँ पर गूगल पे भी मिल जाएंगी, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये है कि इन इमेजेस को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉपीराइट इमेजेस हैं। अगर आप इन इमेजेस को यूज़ करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। आप लोगों ने एक नाम सुना ही होगा सभी लोगों ने ऑब्वियसली, संदीप महेश्वरी सर का, तो उनकी एक वेबसाइट है imagesbazaar.com करके। आप सबको पता है कि वो अपने YouTube चैनल से अर्निंग नहीं करते हैं, YouTube चैनल तो उन्होंने जस्ट लोगों को नॉलेज और मोटिवेशन के लिए बना रखा है, वहाँ से उनकी कोई अर्निंग नहीं होती। उन्होंने अपने YouTube चैनल पे अर्निंग वाला ऑप्शन बंद कर रखा है। उनकी अर्निंग कहाँ से होती है, ये एक वेबसाइट है इमेजेस बाजार, यहाँ पर अच्छी अच्छी इमेजेस होती हैं और उन इमेजेस को लोग बाई करते हैं, उसके लिए लोग पे करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मुझे एक सपोज़ छोटे बच्चे की इमेज चाहिए, स्कूल किड की कोई मेरी कंपनी है उस पर, या वेबसाइट पे मुझे अपने छोटे बच्चे की किसी की फ़ोटो लगानी है, तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया स्कूल किड इमेजेस, तो यहाँ पर देखो छोटे बच्चों की इमेजेस मुझे दिख रही हैं। अब लेकिन अगर मैं इन इमेजेस को यूज़ करूँगा, जैसे बच्चे की इमेज है यहाँ पर, अब अगर इस इमेज को मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि आप अगर यूज़ करना चाहो तो आप इसको ख़रीद करके यूज़ करो, जिसका प्राइस 8,000 रुपये से शुरू हुआ है। आप सोचिए 8,000 रुपये की एक इमेज है यहाँ पर, आप लोगों को लग रहा होगा कि 8,000 रुपये की ये इमेज को कौन खरीदता होगा। नीचे ये भी लिखा है कि अगर बिना खरीदे यूज़ कर लिया तो आपको 3 साल तक जेल भी हो सकती है।
दिस इमेज इज कॉपी राइट बाय इमेजेस बाजार, और इस इमेज को अगर आप बिना क्या यूज़ करते हैं, बिना बाई किए, तो कोर्ट में आपको केस भी हो सकता है। तो आपके माइंड में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको 8,000 रुपये देके खरीदता कौन होगा। तो जो बड़े स्कूल्स हैं ना, वो तो खरीद करके इमेजेस को यूज़ करते हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके न्यूज़पेपर में, अखबारों में ऐड आते हैं, टीवी पे जिनके ऐड आते हैं, वो लोग ये इमेजेस ऐसे थोड़ा कि गूगल पे गए और सेव कर लिया, बिल्कुल गलत है। वो क्या करते हैं, खरीद करके इन इमेजेस को यूज़ करते हैं। एक बार तो मैं आपको बड़ी अच्छी केस स्टडी बताता हूँ। दो बड़ी कंपनीज ने क्या किया कि दिवाली के टाइम पर टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर आता है ना, उसमें एक ऐड निकलवाया, और उस ऐड में कौन सी कंपनीज थी, आई थिंक टीवी की दो कंपनीज थी, एक एलजी थी और एक और कंपनी थी, मुझे एग्जैक्ट अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है। तो उनका जो एलजी और वायरपूल करके एक दूसरी कंपनी है, वायरपूल, उन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर में जो ऐड आया, अब दोनों ने इमेजेस खरीदी और सेम इमेजेस का यूज़ कर लिया। ये देखिए, जैसे मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर सेम डे ऐड आया, पेज नंबर स्टार्टिंग वाले में वायरपूल की ये वाली देखो इमेज थी, यहाँ पर इन्होंने ये वाली इमेज यूज़ की हुई थी वायरपूल की, और वही एलजी वालों ने भी क्या किया, वही सेम इमेज टीवी के अंदर इसको यूज़ कर लिया। तो ये भी कई बार हो जाता है कि सेम इमेजेस बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर लेती हैं, हालांकि ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। खैर, तो ये मैंने जो आपको 12-13 वेबसाइट्स बताई, अगर आप इनको नोट करना चाहें, नोट भी कर सकते हैं, बाकी तो मैंने आपके ग्रुप में भेज भी दिया है। इन वेबसाइट से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉन कॉपीराइट वाली इमेजेस मिल जाएंगी। आप सभी वीडियोस में शेयर करा दूंगा आदित्य, कुछ रीजन से वीडियोस अभी अपलोड नहीं हो पाए हैं एक्चुअली, तो जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे मैं शेयर करता जाऊंगा। ओके, सो आज की क्लास को फिलहाल हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। जो वर्क मैंने आपको बताया वो दो काम है। फर्स्ट, आपको अपनी जो फ्री वाली वेबसाइट है वो तैयार कर लेनी है, उसका लिंक एक मैं फॉर्म शेयर करूंगा, उसमें अपलोड करना, प्लस दूसरा वर्डप्रेस पे जाकर के एक पोस्ट लिखना है, और उस पोस्ट का भी लिंक आप शेयर करोगे उसी फॉर्म में। तो वो फॉर्म मैं आपको कल तक शेयर करूंगा, लेकिन कल तक आप ये दो चीज़ें कर लेना, अपनी फ्री वाली वेबसाइट तैयार कर लेना, प्लस मैं लॉगिन पासवर्ड तो अभी क्लास ओवर होते ही शेयर कर रहा हूं, उस वेबसाइट पर जाकर के आपको क्या करना है, एक पोस्ट लिखना है। पोस्ट किस टॉपिक पर लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको आइडिया ना मिले कि इस टॉपिक पर लिखें कि किस पर लिखें, तो आपको जो भी कोई टॉपिक अच्छा आता हो, एजुकेशन आप लोगों ने सभी लोगों ने की हुई है, तो जिस चीज़ पे आपकी अच्छी कमांड हो आप उस टॉपिक पे लिख सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं इस चीज़ के लिए, आपको जो टॉपिक अच्छा लगे आप उस टॉपिक पर लिख सकते हैं। ओके, सो यूज़र नेम पासवर्ड तो मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख लेना और इस काम को आप स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई डाउट करी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। ओके, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वीडियो वगैरह। आज की क्लास को तो मैं अभी तुरंत शेयर कर रहा हूँ, बाकी जो पुराने वीडियोज़ हैं वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। ओके, और भी कोई डाउट करी क्वेश्चन हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी क्लासेस में भी अगर कहीं पर कोई कमी आपको लगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो भी आप लोग बताते रहिएगा। तो वर्क हार्ड करते रहिए आप लोग भी, और बाकी तो रैंक यूवर से सपोर्ट आप लोगों को मिलता ही रहेगा लगातार। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग डिसकनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसी पासवर्ड से ओपन कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, कॉल तुम्हारे भी ग्रुप में शेयर कर दें। डन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मोबाइल से क्लास चल रही थी, बीच बीच में जो है मैसेज भी आ रहे थे।